में कभी बरसात नहीं होती है, हर किसी को मोहब्बत इरशाद नहीं होती है। हत रहे आज सावन की सोमवती अमावस्या का, जो हम YouTube चैनल वाले से संपर्क कर रहे हैं, वरना मुलाकात नहीं होती। प्यार का है बनाया राम ने, प्यार का है। देखो, प्यार की भाषाएं अलग अलग होती हैं। क्या है, भाई का बहन से प्यार होता है, वो प्यार अलग है। माँ का पुत्र से प्यार होता है, वो अलग है। लेकिन सब माया से संबंधित हैं। यही सब मोह में जकड़े हुए हैं आदमी को। और पति का पत्नी से प्यार होता है, वो अलग होता है। जो प्रेमी का प्रेमिका से प्यार होता है, वो अलग होता है। लेकिन प्यार की भाषा एक ही है। तो यही भगवान से कहा गया है कि क्यों ऐसे प्यार को आपने बना के बैठ गए हैं कि जो है सभी लोग माया जाल में फंसे हुए। प्यार का है बनाया राम ने, कोई आए मेरा दिल थामे, कोई आए मेरा दिल थामे। प्यार का है बनाया राम ने, कोई आए मेरा दिल थामे, काया जले फिर भी घड़ी दो घड़ी, दिल में धुआं उठा जैसे दम घुट रहा, दिल में धुआं उठ रहा जैसे दम घुट रहा। जब से आया सबब सामने, जब से आया सबब सामने, कोई आए मेरा दिल सामने, ओ कोई आए मेरा दिल सामने। प्यार का है बनाया राम ने, कोई आए मेरा दिल सामने, ओ कोई आए मेरा दिल सामने। बरसात भी न होती, ये सावन न होता, ये दिन जो न होता तो रात भी न होती है। ये दिल ना धड़कता तो दिल कसी न होती, ये दिल ना धड़कता कसी न होती, ये प्यारे न होता तो जिंदगी न होती, ये प्यारे ना तो जिंदगी न होती। कोई आए आमने सामने, ओ कोई आए आमने सामने।
काहे बनाया राम ने बोलिया है मेरा दिल सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। कैसे ख्याल आया आपका कि यही गाना गाया जाए? क्योंकि ये ऐसा मौसम है सावन का कि प्यार से संबंधित ही मौसम है, इसलिए प्यार का ख्याल आ गया। डॉक्टर साहब, एक कहानी आपने तो सुनी होगी, वो एसडीएम वाली जो मैडम है, एसडीएम पोस्ट पर है और मनीष दुबे अधिकारी से प्यार कर बैठती है। लेकिन ये गलत है, ऐसा प्यार गलत है। ऐसा प्यार गलत है यदि जीव छड़ता, यदि यदि किसी एक दो लोगों के पीछे कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं तो ऐसा प्यार बेकार है। मान लीजिए शक्कर जहर में शक्कर डाल के दे दिया जाए, क्या जहर खा लेंगे आप? सही, ना शक्कर ही खा पाएंगे ना जहर ही खा पाएंगे, बस हो गया। जिसमें कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, सही, स्वतंत्र हो, जिसमें किसी को कष्ट न हो, वही प्यार आप करिए। वो प्यार होना अमूमन है, ये तो एक हबस है, इसको हबस कहेंगे ना कि प्यार कहेंगे। आपको तो पूरा पूरा जो मीडिया डॉक्टर साहब को बनाने लायक है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा पसंद किया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा डॉक्टर साहब का, और खूब प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए डॉक्टर साहब को। आप देख सकते हैं उम्र काफ़ी हो चुकी है लेकिन संगीत से नाता आज भी जुड़ा हुआ है और भी कई लोगों को जोड़ रखे हैं। तो मैं भी ऐसे लोगों से मिलता रहता हूँ और ये हमारा कारवां बहुत आगे तक जाएगा दोस्तों। बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। फिर मिलते हैं आपको अगले नए रंगारंग कार्यक्रम के साथ। तब तक सभी को सादर प्रणाम, दिव्य नमस्कार, जय वीर बुंदेलखंड, धन्यवाद।